कार्यवाही के आखिरी दिन भाकपा माले ने सदन के बाहर विधायकों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से विधायकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई महिला विधायकों को चोट भी लगी है। आइए जानते हैं माले के विधायक। बूटों के तले लोकतंत्र को रौंदा गया, नंगा किया गया, ये बहुत ही दुखद है। यहाँ विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही है। विपक्ष एक मजबूत ताकत के साथ है, इसके बावजूद उसको कुचल करके किसी तरीके का कोई भी विधेयक पास करा लेने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम लोग तो एक ही बात कह रहे थे कि डिबेट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। हम कह रहे थे कि ये जो विधेयक है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, इस विधेयक को आप जनमत जनता के लिए भेज दीजिए, प्रवर समिति में भेज दीजिए। इतनी बात नहीं सुनी गई। दिन भर हम लोग बोलते रहे, करते रहे, अंततः रात में मार्शल के माध्यम से बीएमपी को, मिलिट्री को बुला करके हमें बाहर फेंकवा दिया गया और तब जाकर सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों की उपस्थिति में विधेयक पास किया गया। बिल्कुल तरीके से विधेयक को पास करने की पूरी प्रक्रिया गैर लोकतांत्रिक है और गलत तरीके से पास किया गया। इसके खिलाफ आज हाउस भले खत्म हो जाए, हम बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमें वोट दिया है और जनता ने इनको भी मैंडेट दिया है। साफ तौर पर आरजेडी के जो विधायक हैं, उनका कहना है कि आगे 5 साल तक हम विधानसभा में नहीं आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, जहाँ हम जाएंगे और जो विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और सरकार के तरफ से जो कार्रवाई हो रही है लोकतंत्र को रौंदने की, उस पर बातचीत हम करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से विधानसभा में जो विधायक हैं उनके साथ धक्का धुक्की की गई, उन्हें मारा गया मार्शल द्वारा, और जो बीएमपी के जवान हैं उनके द्वारा उन्हें विधायकों को बाहर फेंकवा दिया गया, वह आज के दिन वह काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।